Hello, my dear students and friends. My name is Manamir Jivan, and this video is for class 7, second and last video for your chapter 1. Yes, after sahi suna, yeah, second video hai chapter 1 ka, aur yeah, last video hai. Matlab, is video mein main aapka chapter 7 confirm kar dunga, complete kar dunga. Theek hai? Pichle video mein maine language ke baare mein bataya. लैंग्वेज का नेचर बताया, एक नॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात की. अब इसके डेप्थ में या इसकी गहराई में जाने का टाइम आ गया. एक बात और, इस वीडियो के तुरंत दो तीन दिन के बाद मैं आपके इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग शॉर्ट जो भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसको सॉल्व करके एक वर्कशीट का रूप देकर आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप उनको उस क्वेश्चन आंसर को कर पाएंगे. इस वीडियो में पीछे वाला जो एक वर्कशीट मैंने डाउनलोड किया अपलोड किया था 5 मई को, उसके रिलेटेड में बात करूँगा, जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आराम से, आसानी से. ओके ना, जो बच्चे 6th से 7th में गए हैं उनके लिए लैंग्वेज मैंने बात कर ली है. एक लैंग्वेज है कंप्यूटर का दूसरे एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स को डेवलप करने का एक तरीका है. लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाता है, एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज को भी क्रिएट करता है. एक लैंग्वेज मशीन के लेवल के लायक का प्रोग्राम डेवलप करता है, जिसकी वजह से उसको रन करने में मशीन को यानी कि कंप्यूटर को आसानी होती है. मशीन या लैंग्वेज आपका एप्लीकेशंस तैयार करता है, सॉफ्टवेयर्स तैयार करता है, ड्राइवर्स तैयार करता है. यानी कि एक प्रोग्रामर जो लैंग्वेज का यूज करता है, जैसे C++, C#, जावा, विजुअल बेसिक, ओरेकल, पाइथन, ये सारे इसमें ओरेकल लैंग्वेज नहीं है, ओरेकल डेटाबेस है, SQL लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज, तो इसमें हम एप्लीकेशंस रेडी करते हैं, तैयार करते हैं. नाउ लैंग्वेज के इस चैप्टर में आपका मेन पार्ट है. लैंग्वेज के तीन हिस्से बनाए गए, तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसके लिए मैंने आपको आपके वर्कशीट में ग्राफ भी दिया है. लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, या उसको हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, और थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज. अब इसको हम लोग समझेंगे. लो लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज थे जो शुरुआती दौर में तैयार किए गए थे और इनको सिर्फ प्रोफेशनल से ही ऑपरेट कर सकते हैं. ये लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए 0 और 1 का यूज करने, 0 और 1 के यूज के साथ ही उनके प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं. इसमें इंग्लिश या हिंदी या किसी भी अदर लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते थे. जैसे आपको मैंने कभी सिखाया था कि 1 byte इक्वल टू 8 bits, ठीक, तो 8 bit इक्वल टू 1 bytes, बिट से भी नीचे और भी डाउन में रिकॉर्ड्स जाते हैं, तो वो बिट्स और उस बिट्स में दो ही अक्षर बनेंगे, एक 0 और 1, ठीक है. तो 0 और 1 के कम्बिनेशन से जो मैटर या जो प्रोग्राम बनाया जाता था उसको मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. इसमें सीधे प्रोग्रामिंग 0, यानी कि अगर हमको सपोज A इक्वल टू 20 लिखना है तो A का बाइनरी डिजिट कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस, तो A के लिए 8 अक्षर का बाइनरी कोड डेवलप किया होगा, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे. प्रोग्रामर्स ऐसा करते थे, यस, वो भी मैनुअली हाथ से वर्क किया. फिर इक्वल टू के लिए भी, चूंकि हमको A इक्वल टू 20 इनपुट करना है और इस लैंग्वेज से करना है, मैं समझा रहा हूँ, तो ए ए ए को हम उस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, फिर इक्वल टू को करेंगे, फिर 20 है तो 2 को अलग से, 0 को अलग से, ये कन्वर्ट करने के बाद हम इनपुट कर पाते हैं. फिर प्लस साइन के लिए, फिर बी इक्वल टू 30 तो बी के लिए इक्वल, तो ये लैंग्वेज बहुत टफ हुआ करता था. लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि ये डायरेक्ट मशीन इस कंप्यूटर इसका, चूँकि हम सीधे इसको 0 और 1 के भाषा में लिख रहे थे, डेवलप कर रहे थे, तो कंप्यूटर इसको आराम से रिकॉग्नाइज कर लेता था और इसके प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया था. लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं था, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं था, इसलिए इसको डेवलप करने की लगातार कोशिश हो रही थी प्रोग्रामर्स, साइंटिस्ट.
तब इसके बाद आया मिडिल लेवल लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, ध्यान से। लो लेवल लैंग्वेज तो लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज तो लो लेवल है ही, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज को भी हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में ही रखते हैं। लेकिन यह इससे थोड़ा बेटर था, बेटर इसलिए कि इसमें फंक्शंस और कुछ सिंबल्स को इंग्लिश में हम लिख सकते थे। जैसे अगर हमको ऐड करना है तो ए डबल डी हम लिख सकते थे, सब्ट्रैक्ट करना है तो एस यू बी, यानी कि हर एक फंक्शंस के लिए हमने एक अपना अपना कोड डेवलप किया हुआ था, उस कोड के अगेंस्ट में हम प्रोग्राम करते थे। तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसानी से मशीन में ऑपरेट हो जाती थी। तो जैसे चार्ट में मैंने किया आपको दिया हुआ था कि इस चार्ट में क्या था, कि याद होगा सेकेंड या थर्ड पेज पर होगा कि असेंबली लेवल प्रोग्राम्स, बीच में एक असेंबलर था और मशीन लेवल प्रोग्राम्स। तो यहाँ असेंबली लेवल में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसको असेंबलर नाम का प्रोग्राम उस छोटे छोटे फंक्शंस को डिकोड करेगा, समझ में आया, उस छोटे छोटे फंक्शन को डिकोड करेगा ताकि किस में डिकोड करेगा, जीरो और वन में, ताकि मशीन सीधे इस चीज़ को समझ जाए। तो कंप्यूटर से, कंप्यूटर चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो सिर्फ दो ही भाषा समझती है, या तो ऑन नहीं तो ऑफ। तो कंप्यूटर के जितने प्रोग्राम्स या जितने भी ऑपरेशन हैं उसको इस हिसाब से डेवलप किया जाता है कि कंप्यूटर ये समझे ये ऑन करना है, ये ऑफ करना है, ये ऑन करना है, ये ऑफ करना। तो असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है और उसमें, लेकिन थोड़ा आसानी ये था कि उसमें कुछ इंग्लिश के एब्रिविएशन, कुछ फंक्शंस नेम्स को हम इंग्लिश में यूज कर सकते थे, राइट। अब उसके बाद से वो असेंबलर उसको कन्वर्ट करके मशीन लेवल प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेस को मैंने वर्कशीट में कवर किया है। जैसे एडवांटेज में मेमोरी एफिशिएंट होता है, ये मेमोरी जल्दी से समझता है इसको, फास्टर स्पीड है चूँकि ये सीधे जीरो लेवल लो लेवल लैंग्वेज है तो मशीन इसको बहुत आसानी समझेगा, चूँकि जिस जमाने की ये बात हो रही है उस समय मशीन में रैम रोम या सीपीयू प्रोसेसर इतना फास्ट नहीं हुआ करता था, तो प्रोग्राम लिखने के बाद या प्रोग्राम रन करने के समय यह लेट लगता था। तो उस समय यह चूँकि सीधे लो लेवल था तो आराम से यह इसको लेट नहीं लग, माने स्पीड इसकी अच्छी थी। इजी टू मेक इंस्ट्रक्शन एंड डिलीशन, इसमें इंसर्ट करना या डिलीट करना आसान होता था। रिक्वायर फ्यूअर इंस्ट्रक्शन टू अकम्प्लिश द सेम रिजल्ट, आसान रिजल्ट में जल्दी से मिल जाता था, कम इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी आसानी से रिजल्ट मिल जाता था, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज डिफिकल्ट द रिमेंबर सिंटेक्स, अब सिंटेक्स जिसको हमने बोला कि फंक्शंस जैसे ऐड सब्ट्रैक्स, तो इस तरह के हजारों सिंटेक्स हुआ करते थे। जैसे एमएस डॉस में था ना, एमएस डॉस मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था कि एमएस डॉस में सारे कमांड्स याद करना हो, विंडो में कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि विंडो में सब कुछ दिखाई देता है, ग्राफिकल ओरिएंटेड है, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये हुआ असेंबलर, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। नाउ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इन दोनों लैंग्वेज सीधे डिफरेंट था। यह इसमें हम टोटल काम इंग्लिश अपने मैनुअल लैंग्वेज में यानी कि मदर टंग में लिख सकते थे। मदर टंग मतलब हिंदी या भोजपुरी नहीं, मदर टंग का मतलब कि ऐसे लैंग्वेज जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, जैसे इंग्लिश यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, उसी तरह से इंग्लिश में ये सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते थे, उसके सारे फंक्शन सारे सिंटैक्स ये सब इंग्लिश में होते थे। तो ये यूज़र फ्रेंडली था, प्रोग्रामर यह समझ पाता था कि मैं किस फंक्शन को किसके साथ टैली कर रहा हूँ, किसके साथ लॉजिकल डी टेस्ट कर रहा हूँ, कि किस फंक्शन का कब कहाँ आउटपुट आएगा, किस समय ये जूम करेगा, किस समय अनजूम करेगा, ये सारे फंक्शन हम आराम से कर सकते थे। दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नाउ अब इस बारे में बातचीत होनी चाहिए कि जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, आपके बुक्स में है जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट जीएल, तो ये फाइव जीएल में इसको बांटा गया है, फर्स्ट जीएल, सेकंड जीएल, थर्ड जीएल एंड फोर्थ जीएल एंड फाइव जीएल। जीएल का मतलब फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फाइव लेवल फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। नाउ फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन आप ये मान सकते हैं वही लो लेवल लैंग्वेज जिसमें की जीरो और वन से प्रोग्रामिंग की जाती थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज मान लीजिए जिसमें कि हम कुछ सेंटेक्स इंग्लिश का यूज कर सकते थे और बाकी बाकी बाइनरी डिजिट से उसको काम करते थे।
थर्ड जीएल कुछ कन्वीनियंट हुआ जिसमें हाई लेवल की शुरुआत हो गई, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से हाई लेवल की शुरुआत हो गई। फोर्थ जनरेशन हाई लैंग्वेज के साथ साथ हम डेटाबेस को भी जैसे एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी कि डेटाबेस हैंडल करने के लिए भी हमने प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का सबसे अच्छा बेनिफिट क्योंकि ये ग्राफिकल ओरिएंटेड है, जैसे अगर आज आपको ओके और कैंसिल का बटन बनाना है तो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में इसके लिए आप शायद नहीं मानेंगे कि ओके बटन और कैंसिल बटन के फंक्शन को लिखने के लिए कम से कम 20 से 30 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या है, सीधे आप ओके बटन को मैंने कमांड बटन को ड्रॉ करने के बाद सिर्फ दो लाइन की कोडिंग से आपका ओके और कैंसिल बटन काम कर जाएगा। यस, जैसे विजुअल बेसिक आपके सिलेबस में है और अगर पॉसिबल हुआ तो, चूँकि विजुअल बेसिक थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है और इजी भी है, इजी भी और टफ भी, कोई भी चीज़ बहुत आसान नहीं हो, खाना खाना भी आसान काम नहीं है, जब तक आप अपने हाथ को कष्ट नहीं देंगे, दो तीन घंटे खाने में नहीं बनाने में नहीं काम करेंगे तब आपका खाना बनकर तैयार नहीं होगा। उसी तरीके से कोई चीज़ सीधे आसान नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि आप आराम से कमांड बटन सीधे ड्रॉ कीजिए, आपके प्रोग्राम में वह चीज़ ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि वह ओके और कैंसिल बटन किस जगह डिस्प्ले होगा और उसके फंक्शन का क्या ऑपरेशन होगा हम आराम से सीधे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पीछे के 4GL तक ये ड्रॉ सिस्टम नहीं चलता था, राइट। तो ये हुआ आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टोटल पार्ट, 1GL, 2GL, 3GL, 4GL, 5GL। इसके बाद से मैंने कंप्यूटर के तीनों लैंग्वेज, तीनों पार्ट्स, लो लेवल, हाई लेवल और मिडिल लेवल तीनों कवर किया, जिससे कि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। बुक्स में बहुत डिटेल दिया हुआ है, तो उस डिटेल को अगर ज़्यादा समझिएगा तो वीडियो में समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट किया है, हल्के भाषा का यूज किया है, जिससे कि ये समझ में आए, मैं अब सारांश यानी कि निचोड़ बता रहा हूँ, ये समझ में आए कि लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब है कि हम नए प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे वह लैंग्वेज कहलाए। लैंग्वेज की तीन कैटेगरी थी, दो अर्लियर हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल सीधे ग्राउंड लेवल पर प्रोग्रामिंग की जाती है जिसमें जीरो और वन का यूज किया जाता है, इट इज़ वेरी टफ लैंग्वेज, बहुत ही मुश्किल होती थी जो सिर्फ प्रोफेशनल ही कर सकते थे। मिडिल लेवल लैंग्वेज थोड़ा बहुत कन्वीनियंट हुआ जिसमें कि हम इंग्लिश के सिंटैक्स और फंक्शंस यूज कर सकते थे, ये थोड़ा सा आसान हुआ। लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज भी चूँकि लो लेवल लैंग्वेज था, मशीन सीधे आराम से इसको रीड कर लेती थी, तो भी ये अभी जनरल यूज के लिए थोड़ा सा टफ था। नाउ हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग आज यूज करते हैं, आप भी सीख सकते हैं आराम से सी, सी प्लस प्लस, और मैंने कई क्लासेस में सिक्स से, अगर आप सिक्स में थे तो मैंने आपको बेसिक लैंग्वेज शुरू भी कर, बेसिक लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज, बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन को जो आप इसमें प्रोग्राम्स बना भी रहे, तो आपने देखा है कि इसमें सारे आप जितने भी सिंटैक्स या जितने भी फाइल्स यूज कर रहे हैं मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, क्लास सिक्स में आपको पढ़ाया है, और उस ये भी वादा किया था कि क्लास सिक्स में भी बेसिक लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगा, दैट इज हाई लेवल जिसमें कि आपको एक नया, यस विजुअल बेस, सॉरी बेसिक लैंग्वेज में आप छोटे मोटे कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हो। आप मत समझिए कि बस जोड़ घटाओ गुना भाग और स्क्वायर रूट और रूट निकाल करके मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, बेसिक को आप इतना आसान भी नहीं समझिए, अगर आप इसके अंदर में डेप्थ में जाएंगे तो और आपको मिलेगा। तो ये हाई लेवल है, इसी में अगर आपको ड्राइंग के एस्पेक्ट से अगर चीज़ें करनी है तो आप विजुअल बेसिक कीजिए, .NET कीजिए, लेकिन हाँ ये स्कूल के बाद ही हो पाएगा। मैं इंट्रोडक्शन लैब में दे दूंगा जरूर, ताकि आपको ये समझ में आए कि विजुअल बेसिक कैसे काम करता है। इसका थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास में एमएस एक्सेस में मैं आपको दे दूंगा। एमएस एक्सेस में आप अपना खुद का विंडो ड्रॉ कर सकते हैं, यस, तो एमएस एक्सेस में यह खूबी है। चलिए, तो ये हुआ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और लैंग्वेज की पूरी डेप्थ कि इस लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज क्या, तो आज हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसमें बेसिक से आप फैमिलियर हैं ऑलरेडी। नाउ लो लेवल में क्या था कि चीज़ें, एक बात ये समझनी पड़ेगी, लो लेवल में चूंकि सीधे हम जीरो और वन में प्रोग्रामिंग करते थे तो सीधे मशीन समझता था, इसमें बीच में मीडिएटर कोई नहीं था, गया कि हमने प्रोग्राम लिखा सीधे कंप्यूटर समझा, कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेट, रिजल्ट आउट, ठीक।
लेकिन मिडिल लेवल में चूंकि इंग्लिश यूज होने लगा था थोड़ा बहुत, तो इसीलिए सिंटेक्स यूज होने लगा था, तो इसीलिए इसको एक मेडिएटर की जरूरत पड़ी, जिसको हम कहते हैं, मान लीजिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, अगर आपके सामने एक जापानीज आ जाए और जापान वाला आकर के आपके क्लासरूम में आकर के कुछ चीज़ डेमो देने लगे, आपको समझ में आएगा? तो हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जो जापानी और हमारी हिंदी या इंग्लिश भी दोनों समझ सके, राइट? तो हम वो क्या करेगा, जब वो अपनी बात हमारे तक पहुंचाएगा तो वो ट्रांसलेट करके हमको सुना देगा, और जब हम उससे कुछ कहेंगे तो उस बात उस भाषा को जापानीज में कन्वर्ट करके सुनता है। दैट मेडिएटर पर्सन इज कॉल्ड असेंबलर। यस, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या होता था, हम प्रोग्राम लिखे तो वह प्रोग्राम असेंबलर कन्वर्ट करके जीरो लेवल में, लो लेवल में कन्वर्ट करता था, मशीन समझता था, आंसर मिलता था, फिर वह आंसर वापस असेंबलर डिकोड करके इंग्लिश लैंग्वेज में हमको दिखाता था। तो असेंबलर का मतलब क्या हो, वह मिडिल मैन या मिडिल सॉफ्टवेयर जो मशीन और यूजर के बीच में टाई अप करने का काम करे। क्लियर? नाउ हाई लेवल लैंग्वेज में असेंबलर ना होकर के दो टर्म आते हैं, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी कि वही असेंबलर जो वहाँ पर मिडिल लेवल लैंग्वेज में काम करता था, यहाँ असेंबलर यहाँ पर काम करेगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या है कि दोनों सेम जॉब करते हैं लेकिन तरीका अलग है। कंपाइलर क्या करता है कि सपोज कि आपने अभी बेसिक लैंग्वेज यूज किया तो उसमें कौन सा टेक्निक है, इंटरप्रेटर। बेसिक लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का टेक्निक है, क्यों, वह लाइन बाय लाइन डिकोड करता है, यानी कि अगर आपने लिखा याद होगा ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30, सी इक्वल टू ए प्लस बी, याद है? तो उसमें क्या हुआ कि ए को 20 माना गया, बी को 30 माना गया, और सी में क्या होगा, ए और बी का ऐड होकर के हमको आउटपुट दिखाएगा। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, ए इक्वल टू 20 जो हमने लिखा था उसको जीरो लेवल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मुझसे गलती हुई, मैंने क्या लिख दिया, ए कॉमा 20, यानी कि यहाँ एरर है, तो सेकंड लाइन पर जाएगा ही नहीं। तो इंटरप्रेटर, समझ में आया, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को डिकोड करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस में, पाइथन में कंपाइलर यूज किया जाता है, वहाँ क्या, ये क्या करता है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार पढ़ लेगा और जहाँ जहाँ जितनी भी एरर्स हो गई एक बार में शो कर देगा। अब दोनों के अपने अपने फायदे भी हैं, दोनों को अपने अपने नुकसान भी। अब जैसे एक फायदा, कंपाइलर चूंकि एक बार में कंपाइल करता है तो स्पीड अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो एक बार में 10 डिफॉल्ट पता दे देता है, 25 दे देता है, 25 जगह की गलती। अब ये हमको समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि 25 में से पहले किसको ठीक करें। यस, लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है, इंटरप्रेटर में चूंकि इसकी स्पीड थोड़ी सी लो होती है क्योंकि वह लाइन बाई लाइन कवर करता है, लेकिन हाँ एक फायदा है यूजर के लिए कि जैसे ही जिस लाइन पर गलती हो उस लाइन को वापस कर देगा कि भाई तेरा इस लाइन पर गलती है, वो लाइन आपने ठीक की, प्रोग्राम फिर कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट में तीसरी लाइन में गलती है, फिर तीसरी लाइन हमने सही किया, इस तरह से धीरे धीरे आराम से मेरा प्रोग्राम सॉल्व हो जाता है। तो ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर किस यूज में आ रहा है या किस लेवल का प्रोग्रामर उसको हैंडल कर रहा है, राइट? That is your chapter. I cover all your aspect, interpreter, compiler, parts of all language, descriptions and all the languages parts. So, अब next workshop का use wait कीजिए, दो दिन के अंदर मैं उसको upload कर दूँगा, जिससे कि आप सारे questions answer आराम से solve कर सकें। So, I'm ending my video. Have a nice day and stay home, stay healthy. जय हिंद।